हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक मॉइस्चराइज़र का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये है निविया का मॉइस्चराइज़र। तो गाइस, इससे पहले मैंने और भी बहुत सारे निविया के मॉइस्चराइज़र शेयर करती रहती हूँ, तो इसमें आपको काफ़ी सारे वेरियंट्स मिल जाएंगे। तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी 4 से 5 वेरियंट्स शेयर कर चुकी हूँ। तो आज मैंने गाइस ये न्यूली लॉन्च्ड वेरियंट परचेज़ किया है। ये है निविया का सॉफ्ट पॉप ऑफ द डे विद पैपी पोमीग्रेनेट। तो वैसे ये पोमीग्रेनेट ये न्यू फ्लेवर इन्होंने लॉन्च किया है, एंड इसमें और भी बहुत सारी रिसेंटली लॉन्च कर रही है ये फ्लेवर्स। तो मुझे ये वाला वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। गाइस, ये फेस बॉडी एंड हैंड्स के लिए है। तो इसकी आउटर पैकेजिंग देख सकते हैं, इस तरह के टब में आता है ये, एंड इधर आपको एक इसका लोगो मिल जाएगा निविया का। तो ये सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र है विद विटामिन ई एंड जोजोबा ऑयल। 100 ml इसकी क्वांटिटी है। प्राइस की बात करें तो 199 इसकी प्राइस है, और इसमें आपको 3 ईयर्स की शेल्फ लाइफ मिल जाएगी, एंड 100 ml इसकी क्वांटिटी है। तो इसे मैंने पर्पल से बाई किया है, वहाँ पर मैंने इसे 35% ऑफ में लिया था, तो मुझे मिला था ये 149 rupees में। अगर आप इसे ऑनलाइन बाई करते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल कहीं से बाई कर सकते हो। इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, वहाँ से भी आप इन्हें बाई कर सकते हो। अगर आप इसे मार्केट से बाय करोगे ना, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, एंड ऑनलाइन बाय करोगे तो डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाएगा। तो गाइज, इधर आपको इसके इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो गाइज, इसका मैं टेक्सचर दिखाती हूँ आपको किस तरह का है ये। इधर से आप इसे ओपन कर सकते हो। तो गाइज, इसके ना मैं वेरियंट्स ट्राई करती रहती हूँ। ये वाला भी बहुत अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस गाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इधर से ये रैपर है, इसे आपको इस तरह से करना होगा, एंड गाइज इसका टेक्सचर काफ़ी क्रीमी टेक्सचर है इसका, एंड स्किन में काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। तो गाइज, अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, तो ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है ये, काफ़ी अच्छे से ये स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है। सी गाइज, इस तरह का ये गाइज, इसकी मुझे फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, एंड स्किन में काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। ये ऑल स्किन टाइप के लिए, आपकी स्किन टोन कोई भी हो, आप इसे बाय कर सकते हो। एंड फ्रेग्रेंस गाइज अमेजिंग है, सेम टू सेम पोमेग्रेनेट की तरह ही इसकी फ्रेग्रेंस है। इससे पहले मैंने पीच वाला यूज़ किया था, उसकी सेम टू सेम पीच की तरह फ्रेग्रेंस थी, एंड इसकी सेम टू सेम पोमेग्रेनेट की तरह फ्रेग्रेंस है। काफ़ी अमेजिंग मॉइस्चराइज़र है ये, एंड लॉन्ग स्टे करते हैं, आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से ये सॉफ्ट कर देता है। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।